आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वेगो एप्लीकेशन से होटल बुकिंग कैसे करेंगे। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हो वेगो एप्लीकेशन से होटल बुकिंग कैसे करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके वेगो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को हम अपने फ़ोन में ओपन कर लेंगे। और गाइज, ओपन करने के बाद आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पहले यहाँ पर साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर होटल रूम बुक करना चाहते तो होटल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हम यहाँ पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो होटल सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको अपना जो है डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है कि कौन सी जगह आप अपना जो होटल बुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम जो है सर्च करेंगे गोवा, ठीक है। तो हम यहाँ पर गोवा के अंदर होटल बुकिंग करना चाहते तो मैं गोवा सेलेक्ट करूंगा, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर चेक इन एंड चेकआउट का जो टाइम है वो आपको सेलेक्ट करना है कि कितने दिन के लिए आप जो होटल बुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो 14 सितंबर से 16 सितंबर तक मैं यहां पर अपना जो होटल बुकिंग करने वाला हूं, ठीक है। और यहां पर जो है गेस्ट कितने हैं, कितने रूम चाहिए तो वो यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंगल हूं, सिंगल के लिए मुझे चाहिए रूम। और यहां पर हम गाइस क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। तो एक एक गेस्ट और एक रूम चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम सर्च होटल पे क्लिक करेंगे। अब सर्च पे क्लिक करने के बाद यहां पर हम देख सकते हो कि जो भी हमने डेट एंड यहां पर डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से जितने भी उस लोकेशन पर होटल्स रहेंगे सारे यहां पर हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कम ज्यादा इसकी प्राइस देख सकते हो। आपको फिल्टर करना है तो आप यहाँ से चीपेस्ट प्राइस में फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आपको बहुत सारी सस्ती होटल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो भी चाहिए बुकिंग करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए इसमें से नहीं लूंगा, मैं एग्जाम्पल के लिए जो रिकमेंड करा उसमें से कोई एक अच्छी सी होटल बुकिंग करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक होटल चूज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाली ये जो गोल्डन टुलिप ये वाले जो होटल है हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ये वाली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर इसके जो फोटोज रहेंगे वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। इसके फोटो वगैरह आप यहाँ पर इसके अंदर देख पाएंगे और इसके जो स्टार रिव्यूज वगैरह वो भी सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पर होटल में आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल डील्स यहाँ पर आपको देख सकते हो, trip.com से इसका जो प्राइस है वो ये वाला आने वाला वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और भी क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा इसकी पॉलिसीज आप देख पाएंगे जिसके अंदर चेक इन एंड चेकआउट टाइम जो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके लेटेस्ट रिव्यू भी आप देख पाएंगे, इसका लोकेशन कहाँ पर है वो भी आप जो है देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे नीचे की साइड में यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो व्यू डील वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये रिडायरेक्ट करेगा trip.com पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो भी होटल हमने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कोई होटल चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। इसमें से कोई होटल और चाहिए तो वो भी यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया वही होटल मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं इसके ऊपर टैप करूंगा। इस होटल के ऊपर हम जैसे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये होटल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नीचे की साइड में इसका जो है चेक इन चेकआउट ये सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया, इसकी डिटेल भी देख ली, सब कुछ यहाँ पर हमारे सामने जो आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर हम जो रूम बुक कर रहे हैं वो 5782 वाला है। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन भी मिलेंगे, 5822 वाला भी रूम रहेगा, उसके बाद 6504 वाला भी रूम रहेगा। इस प्रकार से इसके जो है अलग अलग रूम रहेंगे जिसके जो है प्राइस बढ़ेगी और उसके अंदर फैसिलिटी भी आपको जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो भी बुकिंग करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे फिलहाल ये जो नॉर्मल बुकिंग करनी है तो 5782 वाला जो रूम है वो मैं यहाँ पर बुक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको गेस्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप अपना नेम है, सरनेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पर कोई डिस्काउंट रहेगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपके पास कोई कूपन कोड है तो वो भी यहाँ पर आप खुद से भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और नीचे की साइड में आप देखेंगे आपकी जो भी प्राइस रहेगी जितने भी दिन आप होटल में रुकने वाले उसी हिसाब से यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। और इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ से हम अपनी प्राइस जो है देख पाएंगे, ठीक है। अपनी जो रूम की प्राइस है, वन रूम टू नाइट के लिए तो इतनी प्राइस है, जिसके अंदर स्पेशल डिस्काउंट ये वाला रहेगा। और यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इतना लगेगा और टोटल फी हमारी जो रहेगी जो हमें पे करना है वो यहाँ पर देख सकते हो, मेरी जो प्राइस है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपकी जो भी प्राइस रहेगी वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बुक वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको जो है
क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप पेमेंट पेज के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पर आपका सबसे ऊपर की साइड में आपका अमाउंट शो हो जाएगा और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो आपको अपना बैंक का जो कार्ड नंबर है वो एंटर करना है, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी कोड एंटर करके पे विद न्यू कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके आपको अपना जो पेमेंट है वो वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वगैरह जो भी आएंगे वेरीफाई करने के बाद जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपकी जो होटल बुकिंग है वो सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल दिया होगा, आपने मेल एंड मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर आपकी जो डिटेल है वो सेंड की जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप जो है वेगो एप्लीकेशन से होटल बुकिंग कर सकते हैं।